वेलकम टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग और आज के इस वीडियो में जानेंगे कैश मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है और ऑप्टिकल डिस्क के टाइप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैश मेमोरी क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं CSCHE लिखा हुआ है, इसे कैश पढ़ा जाता है, इसका प्रोनंसिएशन होता है कैश। ये जो मेमोरी होता है एक ऐसे मेमोरी होता है जो कि रैम मेमोरी से भी फास्टर वर्क करता है और ये जो है वैसे प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करता है जो करेंटली हो चुका है या टेम्प्रोरी डाटा फ्रिक्वेंटली यूज किया गया है सीपीयू के द्वारा। यानी कि कोई भी प्रोग्राम या डाटा रन हो रहा है कंप्यूटर पे तो उस डाटा को स्टोर करने का काम करता है कैश मेमोरी। और इसी के कारण क्या होता है कि सेकेंड टाइम उस डाटा या प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो आसानी से फास्टर ये क्या होता है डाटा ओपन हो जाता है। और कैश मेमोरी जो होता है एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए जो इसका जो साइज होता है स्मॉल रखा जाता है। यानी कि कैश मेमोरी जो है का साइज जो है स्मॉल होता है। और मैग्नेटिक टेप क्या होता है, तो मैग्नेटिक टेप जो होता है लार्ज कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जहाँ पर कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर किया जाता है लॉन्गर टाइम के लिए। और मैग्नेटिक टेप जो होता है इसमें जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कि कोई भी डाटा को स्टोर करता है परमानेंटली। यानी कि मैग्नेटिक टेप जो होता है मैग्नेट के मटेरियल से बना होता है और ये जो होता है डाटा को स्टोर करता है परमानेंटली। और आगे है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क होता है सर्कुलर डिस्क होता है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से उसका कोटिंग किया हुआ रहता है। यानी कि उस पर लेयर जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल का होता है और जो भी इंफॉर्मेशन उस पर स्टोर होता है उसको हम लोग रीड कर सकते हैं बहुत बार बिना उस डाटा को इफेक्ट किए हुए। यानी कि उसको बहुत बार रीड कर सकते हैं और इससे वो जो डाटा स्टोर किया हुआ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि वो ख़राब नहीं होगा। और डाटा स्टोर ऑन द सरफेस ऑफ डिस्क कंटेनिंग नंबर ऑफ इनविजिबल सर्कुलर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो मैग्नेटिक डिस्क होता है एक सर्कुलर डिस्क होता है और इस पे इनविजिबल नंबर्स ऑफ यानी कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल होता है जिसको कि ट्रैक कहा जाता है ट्रैक्स। और बात करें कंसेंट्रिक सर्कल का तो कंसेंट्रिक सर्कल वैसा सर्कल होता है जिसका सेंटर मतलब किसी एक सेंटर से कोई इस तरह से दो सर्कल ड्रॉ कर दिए इसी सेंटर से तो ये दोनों जो सर्कल है कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। और आगे है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है ये मैग्नेटिक डिस्क ही जैसा है बट ये क्या है सस्ता है देन एनी अदर स्टोरेज डिवाइस और ये क्या है पोर्टेबल भी है। फ्लॉपी डिस्क जो है इसका जो प्राइस है वो कम है जो कि सुटेबल है पर्सनल कंप्यूटर के लिए। यानी कि फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क की तरह है सिमिलर है और ये सस्ता है और ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही कम है और पोर्टेबल भी यानी कि आसानी से पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क क्या है, तो ऑप्टिकल डिस्क इंट्रोड्यूस टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। ऑप्टिकल डिस्क वैसा एक मेमोरी है जिसमें हम लोग बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं
और ये जो है कितने तरह के हैं, तो तीन तरह के हैं। पहला है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, जिसे कि सीडी रोम शॉर्ट में कहा जाता है, और ये जो होता है रिफ्लेक्टिव मेटल से बना होता है और स्टोरेज डेंसिटी इसका बहुत ही ज़्यादा होता है और कॉस्ट कम होता है, और इसको एक्सेस कर सकते हैं फास्ट। और सीडी रोम जो है इस पर सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं और इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार इस पर कोई भी डाटा स्टोर हो गया है तो उसके बाद इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है इसका टाइप राइट ओनली, राइट वंस रीड मी। इसका मतलब है कि एक बार लिख सकते हैं और बहुत बार रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि राइट वंस रीड मेनी क्या करता है, अलाउ करता है यूज़र को कि तुम राइट कर सकते हो परमानेंटली ऑन द डिस्क, यानी कि एक बार आप लिख सकते हो और उसके बाद बहुत बार देख सकते हो। एक बार आप डाटा को इस पर लिख दोगे तो उसके बाद कभी ये इरेज नहीं होगा। और इसका एडवांटेज जो है, इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज है कि स्टोर कर सकते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा और इसको एक्सेस भी आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही स्पीड वर्क करता है। और थर्ड टाइप है इरेजरेबल ऑप्टिकल डिस्क। ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क का टाइप है, जिसको कि हम लोग, जिस पर हम लोग राइट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और फिर से लिख भी सकते हैं। और लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है लिखने के लिए और दोबारा से रीराइट करने के लिए डाटा को। दीज आर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ये जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है मैग्नेटिक ऑप्टिकल, जिसको कि शॉर्ट में कहा जाता है। वीडियो के एंड्स में आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा।